Okay, so hello dear students. So in this video I am going to tell about the expected cutoff for CSIR NET December 2023 which was held yesterday. Okay, so देखिए जो हम कट ऑफ आपको बता रहे हैं वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। तो हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा अप डाउन हो जाए और अपना कमेंट करके भी आप जरूर से बताइएगा कि क्या कट ऑफ रह सकता है, ठीक है। लेकिन अभी जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे के आए हैं, जैसा कि मैंने पर्सनली उनसे बात किया और हमने पोल भी क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी यूट्यूब पे, कम्युनिटी पोस्ट पे, टेलीग्राम पे, उसके बेसिस पे हम आपको बताएंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, ठीक है। तो जैसा कि तुम्हारा एग्ज़ाम हुआ था तो स्टूडेंट से थोड़ा सा रिव्यू लिया गया, थोड़ा सा पेपर का एनालिसिस किया गया। पेपर अभी नहीं आया है ना, क्योंकि और एक्यूरेट कट ऑफ जो है पेपर आने के बाद में डिसाइड हो पाएगा। बट अभी हम एक्सपेक्टेड, क्योंकि जैसे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या कट ऑफ रह सकता है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम आपको बताएंगे। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कट ऑफ क्या इतना ही रहेगा या कुछ अप डाउन रह सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पेपर की बात करूं तो पेपर का जो लेवल था वो प्रीवियस एग्जाम के कंपेयर में, जून 2023 के कंपेयर में थोड़ा सा स्टूडेंट टफ बता रहे हैं, ठीक है। मैंने जो पोल क्रिएट किया हुआ है उसमें मोर देन 50 स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि जो एग्जाम पेपर था वो मॉडरेट टू टफ था, ठीक है। अब देखो ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी मिलेंगे ना जो कि प्रिपरेशन नहीं कर रहे, वो फॉर एग्जांपल एमएससी कर रहे हैं, ठीक है ना, या सेल्फ पढ़ रहे हैं, उनका सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो वो क्या बोलेंगे कि हाँ ठीक है, पेपर तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा एमएससी के अंदर आई हुई है, तो अगर तैयारी करेंगे तो क्वेश्चन बन ही जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे स्टूडेंट क्या बोलेंगे, पेपर एवरेज था या इजी टू मॉडरेट था, कि स्टूडेंट इजी भी बता देते हैं उसको, ठीक है ना। लेकिन जब तक आप प्रिपरेशन नहीं करोगे, आप फाइनल अपने नंबर बताइए ना, आपके नंबर कितने आए हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सो कभी भी, और दूसरा कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं रियली जिनका जो मार्क्स है वो बोल रहे हैं कि सर 100+ हमारा बन जाएगा, तो कभी भी उनसे कट ऑफ डिसाइड नहीं होता है, ठीक है। जो कट ऑफ डिसाइड होता है वो ऑन एन एवरेज स्टूडेंट कितना स्कोर कर पा रहे हैं, वो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पेपर का लेवल कैसे बता रहे हैं, कट ऑफ हमेशा उससे डिसाइड होता है, ठीक है ना। तो अभी एक बार अपन कंपेयर कर लेते हैं जून 2023 से, तो आपको थोड़ा सा कट ऑफ का आइडिया लग जाएगा। बट फिर भी आप कमेंट करके बताइएगा कि कट ऑफ इतना रह सकता है, ठीक है। चलो देखिए, सबसे पहले मैं आपको लिखता हूं यहाँ पे जो नेट जून 2023, ठीक है, जो जून 2023 है उसका कट ऑफ क्या था, ठीक है ना। तो आप लोग शायद कट ऑफ देखो तुम्हारे पास में, जैसे अगर मैं सबसे पहले जनरल, यहाँ पे देखो जनरल, EWS एंड OBC, ठीक है। देखो SC ST वालों का तो ये मान के चलिए जो मिनिमम कट ऑफ है 50 वही रहने वाला है उनका, डोंट वैरी, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिखूंगा JRF और यहाँ पे मैं लिखूंगा LS, ठीक। चलिए अब देखो जनरल का, जहां तक मुझे ध्यान है जून 2023 में जनरल का कट ऑफ अबाउट 79 गया था, है ना, 79 के आसपास तुम्हारे पास में था। EWS का 67 के आसपास था और OBC का भी तुम्हारे पास में 67 के आसपास था। जबकि मैं LS की बात करता हूं तो इसका लगभग तुम्हारे पास 72 था, ये तुम्हारे पास में लगभग 66 था और ये तुम्हारे पास में 66 था, ठीक है। तो स्टूडेंट ये बोल रहे हैं, और मैंने भी कुछ क्वेश्चन देखे एक्चुअल में, मैं मेरा रिव्यू भी बताऊंगा कि जो पेपर था वो प्रीवियस के कंपेयर में टफ था, आसान था या उसी लेवल का था, मैं मेरा रिव्यू भी बताऊंगा। और टफ था तो क्या टफ था उसके अंदर, ठीक है ना। तो देखो मेरे हिसाब से अगर मैं अभी की बात करूं दिसंबर 2023 का, और ये मैं लिख देता हूं दैट इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है ना। तो ये तुम्हारे पास में जैसे वही तुम्हारे पास में जनरल, EWS, OBC, ठीक है ना। और यहाँ पे तुम्हारे पास मैं लिख देता हूँ दैट इज फॉर JRF एंड दैट इज फॉर LS, ठीक है ना। तो देखो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अकॉर्डिंग मैंने जितना एनालिसिस किया उसके बेसिस में मैं बोल सकता हूँ कि जो तुम्हारा जनरल का कट ऑफ है दिसंबर 2023 का वो लगभग इससे तो कम होगा, ये तो फिक्स है 79 से, तो ठीक है ना। लेकिन ये तुम्हारे पास में रहना चाहिए 73 से 76 के आसपास, मतलब इसके अराउंड तुम्हारे पास में कट ऑफ रहना चाहिए JRF, ठीक है। 76 तो ऊपर नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी, मेरे अकॉर्डिंग तो जाएगा भी नहीं, ठीक है ना। ये तुम्हारा जनरल का कट ऑफ होना चाहिए। अच्छा जो EWS का था वो लगभग तुम्हारे पास इतना ही रहने वाला है, जो मिनिमम कट ऑफ रहेगा ये भी तुम्हारे पास में इतना ही रहने वाला है, ठीक है ना। और ILS का लास्ट टाइम 72 था तुम्हारे पास में जनरल का, तो इस बार तुम्हारे पास में जो रहेगा 69 से 71 के आसपास रहेगा, ठीक है ना। और इसका जो कट ऑफ है वो वही मिनिमम कट ऑफ रहेगा 66, और ये भी तुम्हारे पास में इतना रहेगा, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू मी कट ऑफ ये रहना चाहिए, थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या रहना चाहिए। अब बात करते हैं एग्जाम पेपर की, ठीक है ना। तो देखिए जो आपका एग्जाम पेपर था इस बार मैंने जितने क्वेश्चंस देखे, देखो मैंने सभी क्वेश्चंस नहीं देखे हैं अभी, ठीक है ना, जब तक पेपर नहीं आएगा तब तक एक्चुअल पता भी नहीं लगेगा। बहुत बार क्या होता है हमारे सामने जब क्वेश्चन आता है ना तो हमारे पास ओनली क्वेश्चन आता है, ऑप्शंस चारों नहीं आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन देखने के बाद अगर आपके सामने ऑप्शन आ जाए तो वो क्वेश्चन आसान बन जाता है, ठीक है ना। तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन देखो जहां तक मैंने जितने क्वेश्चन देख पाए तो मैंने ये एनालिसिस किया कि इस बार जो पेपर था उसमें ऐसा नहीं था कि आप क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। दो चीजें होती है, देखो एक तो होता है क्वेश्चन टफ कि आपको उसके लैंग्वेज ही समझ में ना आए, एक होता है कि लैंग्वेज तो समझ में आ रहा है लेकिन आपसे कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है। तो इस बार का जो पेपर था उसमें लैंग्वेज बहुत टफ नहीं था, जैसे फेब 2022 का जो पेपर था उसमें लैंग्वेज भी बहुत टफ था, ठीक है ना, उसमें बहुत कुछ जो जेई लेवल का उन्होंने दे दिया था। लेकिन इस बार में ऐसा नहीं है, इस बार लैंग्वेज जरा टफ नहीं था, आप हर एक क्वेश्चन को समझ सकते थे, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चंस थे वो कैलकुलेटिव थे। जनरली सीएसआईआर नेट के एग्जाम में क्या होता है कि जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो मतलब 4-5 क्वेश्चन तो प्रोपोर्शनलिटी बेसिस पे आते हैं जिसमें आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन शायद ऐसे क्वेश्चन इस बार इतने नहीं थे, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं थे। आपको अगर सोल्व करना है, आपको अगर सही करना है क्वेश्चन को देखिए और आपको पेन चलाना पड़ेगा, ठीक है। पेन चला के कम से कम वो ऐसा भी नहीं था कि 1-1 लाइन के अंदर सोल्व हो रहे थे, कम से कम 4-5 लाइन में वो सोल्व हो रहे थे। मतलब इस बार जो पेपर था आपका वो कैलकुलेटिव था, वो डायरेक्टली क्वेश्चंस वाला पेपर नहीं था। सेकंड थिंग, मैं पार्ट वाइज जाऊं तो पार्ट ए आपका जो था वो स्टूडेंट बता रहे हैं कि एवरेज या इजी टू इजी लेवल का बता रहे हैं, मतलब ज्यादा ऐसा नहीं कि भाई मॉडरेट था या टफ था, मतलब स्टूडेंट्स पार्ट ए में 7-8 क्वेश्चंस आराम से बना पा रहे थे, ठीक है ना। कई स्टूडेंट ने 14 भी बनाए हैं, किसी ने 15 भी बनाए हैं, किसी ने 12 भी बनाए हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज 7-8 क्वेश्चंस आप बना सकते थे। पार्ट बी जो था तुम्हारे पास में उस वो थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ लेवल का था, उसमें स्टूडेंट बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बना पाए, लेकिन फिर भी 5-6 क्वेश्चन तो आप आराम से बना सकते थे, ठीक है ना। पार्ट सी था वो बी के कंपेयर में थोड़ा ठीक था, लेकिन वो भी मॉडरेट टू टफ लेवल में था, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो कट ऑफ है ना पिछली बार के कंपेयर में कम ही जाना चाहिए, ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, जितना स्टूडेंट्स का रिव्यू आया है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू मी कट ऑफ यही रहना चाहिए। एक बार पेपर आ जाता है उसके बाद में हो सकता है इसमें कुछ मॉडिफाई हो, बट अभी के लिए है कि कट ऑफ तुम्हारा यही रहना चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये घबरा रहे हैं कि सर हमारा तो 85 का ही बन पाया है, हमारा 80 नंबर का ही बन पाया है। अगर कटपिट के तुम्हारे 75 के आसपास भी आ जाते हैं ना तो LS तो तुम्हारा हो ही जाएगा, डोंट वेरी, ठीक है। तो फ्यूचर में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आ रही है उसका आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं ना जिनको लगता है कि सर हमारा हमने तो जैसे जनरल वाले स्टूडेंट्स हैं हमने तो 60 का ही अटैम्प्ट नहीं किया है, तो वो तो भाई तैयारी करने लग जाओ, ठीक है ना। और उसमें ज़्यादा तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। आप लोग क्या करो, सिंपली जो आप लोग पढ़ चुके हो ना उसको बस बार-बार रिवाइज कीजिएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। PYQ देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जेस्ट, TFR, नेट, गेट ये तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है ना। और देखो अभी जो आगे आपका एक सीजन आ रहा है ना वो पूरा एग्जाम सीजन है, जैसे अभी तुम्हारा फरवरी में गेट का एग्जाम है, फरवरी में जेस्ट का एग्जाम है, मार्च में BRC का एग्जाम है, मई में राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है और जून में वापस से तुम्हारा नेट का आ गया। तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, इस पे टाइम खराब करने का मतलब इस पे तो अपना समय खराब करो वो सही भी नहीं है। जो हो गया वो ठीक है, हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो उसको भूल के अपने आगे का प्रिपरेशन आप स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे एग्जाम हुआ तो काफी स्टूडेंट्स बैचेस के लिए पूछ रहे हैं, तो एक बार मैं जल्दी से विदिन 5 मिनट्स न्यू बैचेस का मैं आपको बता देता हूं, जिसमें लाइव बैच भी रहेगा, रिकॉर्डेड भी रहेगा, ओनली इंटरव्यू क्लास भी रहेगा, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए आपका जो नेक्स्ट जो CSIR का न्यू बैच है, CSIR नेट का, जो कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में होने वाला है, वो आपका 8 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है ना, 8 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ये जून 2024 के लिए भी बोल सकते हैं और दिसंबर के लिए भी अपन बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें देखो 4 to 5 आवर डेली लाइव क्लास होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन साथ ही चलता है। लाइव क्लास में मिलेगा ऑनलाइन वालों को, और वही क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आ जाता है, तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगा, ठीक है ना। तो और सभी देखो ये आपका कोर्स जो है ना 12 जून तक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ऑनलाइन वालों के लिए ये सभी क्लासेस जो है 15 अक्टूबर तक 15 अक्टूबर तक अवेलेबल रहेगी। 15 अक्टूबर तक आप क्लासेस कभी भी देख सकते हैं, कितनी बार भी एक्सेस कर सकते हैं। इसमें पार्ट ए भी रहेगा, टेस्ट सीरीज भी रहेगा, असाइनमेंट शीट भी रहेगी, डाउट डिस्कशन भी होगा, इंटरव्यू जो गाइडेंस होता है ड्यूरिंग क्लासेस वो भी आपको मिलता है, ठीक है। इसका अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं तो आपका जो फीस रहेगा 26,000 रहेगा, अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं तो आपका 30,000 रहेगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि अभी एमएससी कर रहे होते हैं या कोई जॉब करते हैं, पीएचडी कर रहे हैं, या फिर वो ऑनलाइन लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं। मेरा पर्सनल सजेशन तो यही है कि आप लाइव क्लास में जाइएगा, लेकिन आप लाइव नहीं ले सकते हैं तो आप रिकॉर्डेड में जा सकते हैं, उसका भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए आपके पास जो रिकॉर्डेड सेशन है, ठीक है, वो आपके पास कुछ इस तरह से है कि इसमें आपके कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स रहेंगे आपके नेट के, गेट के, जेस्ट के, बार्क के, टीएफआर के। इसमें पार्ट ए भी वही इंक्लूड है। अच्छा, ये क्लासेस बिल्कुल करंट वाली क्लासेस हैं, जो अभी तुम्हारा सिलेबस फिनिश हुआ है ना उसी की ही क्लासेस है, ऐसा नहीं कि एक साल पहले की दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। और बहुत सारे क्वेश्चंस ये बोल रहे हैं मोर देन 2000 प्लस, इससे भी ज्यादा क्वेश्चन जो है ना ड्यूरिंग क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे सफिशिएंट है, ठीक है ना। असाइनमेंट शीट्स वगैरह आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज वगैरह आपको मिलेगा, डाउट डिस्कशन आपका रहेगा। मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करूंगा, ऑल ओवर इंडिया का डाउट डिस्कशन ग्रुप है, उसमें आप रह सकते हैं। और ड्यूरिंग क्लासेस इंटरव्यू गाइडेंस भी आपका रहेगा। इसका फीस अलग अलग है वैलिडिटी का। अगर आप 6 मंथ का लेते हैं तो आपका फीस रहेगा 14,000 रुपीज, और अगर आप 12 मंथ का लेते हैं तो आपका फीस रहेगा 21,000, ठीक है। लेकिन ये कंटेंट ऐसा है, अगर आप इसको एक बार पढ़ लोगे तो आप सभी एग्जाम्स क्वालिफाई कर लोगे। बस कंटेंट को पढ़ना है, फॉर्मूलाज को याद करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, वो सारी चीजें करनी है आपको, ठीक है ना। पूरा कंटेंट करवाया हुआ है, ऐसा नहीं कि आपको बीच में छोड़ा हुआ है। पूरे 9 सब्जेक्ट्स, पार्ट है, सब कुछ अवेलेबल रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, अभी फ्यूचर एग्जाम के अंदर देखो तुम्हारा ये सीएसआईआर नेट का एग्जाम हो चुका है ना, आप बहुत सारे स्टूडेंट इसके थ्रू पीएचडी इंटरव्यूज देंगे, ठीक है, आईएससी का इंटरव्यूज देंगे, टीएफआर का इंटरव्यूज देंगे, बीआरसी का देंगे, इसरो का देंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर का देंगे। तो हम एक लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच लेके आ रहे हैं जो कि 3 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। इसमें देखो आपने जो पढ़ रखा है बहुत अच्छा पढ़ रखा है, नो डाउट, लेकिन एक्चुअल में इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको रिप्लाई कैसे करना होता है, तो उसके लिए हम एक अलग से बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसका फीस रहेगा 2700, जो कि बीएआरसी के लिए, पीएचडी इंटरव्यूज दो आप, पीएफआर के इंटरव्यूज दो, आईएससी के दो, असिस्टेंट प्रोफेसर के दो, वो सब में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि इन सभी एग्जाम्स में जो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो सभी भी डिस्कस करेंगे, आपके मॉक इंटरव्यूज भी होंगे, ठीक है। और देखो जो बीआरसी को टारगेट कर रहा है ना 2024 को, वो अभी से प्रिपरेशन में लग जाइएगा, क्योंकि एग्जाम और इंटरव्यू के बीच में 1 महीने का गैप होता है फिर बाद में, ठीक है ना। तुम्हारा जो एग्जाम का रिजल्ट आता है और इंटरव्यू जो होता है 1 महीने का, 1 महीने में आप नहीं कर सकते सब कुछ, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसलिए, और साथ में इसमें देखो वीक में 2 दिन का लाइव क्लास रहेगा आपका, और भी बहुत कुछ है। इसका अलग से एक सेशन बना देंगे, अलग से एक वीडियो बना देंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स अपना फिजिक्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है वो इस बैच में एनरोलमेंट ले सकता है, ठीक है। ऑलरेडी देखो यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, कोई भी आपको डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बैच के रिगार्डिंग, अभी जो एग्जाम हुआ है उसके रिगार्डिंग, आपको कोई भी, आपको जो मेमोरी में आपके हैं क्वेश्चंस, ठीक है, वो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ट्राई करेंगे जल्द से जल्द तुम्हें अभी जो एग्जाम हुआ है उनके भी सॉल्यूशंस मिले, ठीक है। तो आई होप आपके एग्जाम्स अच्छे हुए होंगे, जिनके अच्छे हुए नहीं हो पाए किसी कारणवश परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लाइफ है, 2 ही चीजें होती है, क्या तो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो उसे भूल के वापस से प्रिपरेशन में लग जाइएगा, ठीक है। स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में है, आपकी लाइफ में भी होगा। आप घर छोड़ के बाहर रह रहे हैं, ठीक है, खर्चा भी लग रहा है आपका, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होते हैं, सेक्रीफाइस लाइफ में करने होते हैं। लेकिन यही है कि अगर आप उनसे सीख के कुछ अच्छा रिजल्ट ले पाते हैं तो वो जो भी आप कर रहे हैं ना वो कहीं ना कहीं इतने मायने नहीं रखती है, ठीक है ना। लेकिन बस ये है कि आप रिजल्ट लेके जाइए, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप अच्छी जगह से पीएचडी कीजिएगा, अच्छी जगह से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं, ठीक है। आप कहीं से रिसर्च कर रहे हैं, अच्छी जगह से रिसर्च कर रहे हैं, आप बीआरसी में चले जाएं, इसरो में चले जाएं, बस यही हमारा एम होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्सप्लोर फिजिक्स से ऑलरेडी बार्क के अंदर अभी हैं, ठीक है, टेक्निकल ऑफिसर के लिए हो, चाहे तुम्हारे पास साइंटिफिक असिस्टेंट OCES DGFS का जो एग्जाम होता है उन सब के लिए हो। बहुत सारे स्टूडेंट IITs के अंदर, IISC के अंदर, TFR के अंदर, ठीक है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर भी काफ़ी स्टूडेंट्स का हुआ बने हैं जो कि एक्सप्लोर फिजिक्स से पढ़े हुए हैं। तो बस ये है कि आप अपने एफर्ट्स लगाओ, मेरी तरफ से 100% एफर्ट्स होगा। कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो आपको इस रिगार्डिंग, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपका ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो अभी ये लेक्चर, ये सेक्शन अपन यहीं पे फिनिश करते हैं। आपके कमेंट्स आपको करने हैं, कितना कट ऑफ जा सकता है, कितना नहीं जा सकता है, आपका एग्जाम कैसा हुआ वो आपको कमेंट करना है, ठीक है। और जो न्यू बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।